नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं साक्षी सैनी। खबर है सहारनपुर के फतेहपुर से। नाबालिग लड़की के साथ रेप पीड़ित परिवार पहुंचा सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के पास लगाई न्याय की गुहार। शहजाद पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर के रहने वाली है। पीड़ित शहजाद ने बताया कि पिछले 3 माह से लगातार थानों के चक्कर काट रही हूं, पर नहीं मिल पा रहा न्याय। क्या है इसकी वजह? जहां एक तरफ सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण अभियान लगातार चलाया जा रहा है, पर नारियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? बलात्कारियों को बड़ा सवाल। नमस्कार, इंडिया 24 टीवी से मैं रीना सैनी, हम खड़े पुलिस लाइन में। यहाँ पर हमारे सामने एक मामला है। आपका नाम? संगानी है। माइक आगे कर। संगानी है। नीचे कर लो ये थोड़ा। जी बताएं। कौन से गांव से हैं? खुजनावर है। क्या मामला है? घर से ले जाकर फिर दिल्ली छोड़ गया था। फिर सब गलत काम कर कर फिर मुझे वहीं छोड़ के आ गया था। फिर मैं वहीं हर शहर कॉलोनी में काम करने लगी थी नौकरी। फिर जब मैंने साहिर को फोन किया तो साहिर ने मुझे उल्टा वो कह दिया थे कि कमाई क्या करेगा। फिर तो वो करवा कर पुलिस को ले जाकर और फिर पुलिस के साथ जाकर वहीं से मुझे उठवा दिया था। और फिर जब पुलिस लेकर आ रही थी मुझे, तब मेरे साथ मारपीट हुई और मुझे बोला कि मैं हम कहेंगे वही बोलना है, वही बयान देने। किसने कही ये बात? इंदर सेन और वहाँ एक औरत भी थी लेडीज, उसने बोला था। इंदर सेन कौन से चौके थाने के प्रभारी हैं? फतेहपुर। SSP साहब के पास आए हैं, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि दोबारा बयान देने। ठीक।